मेरे को रोना ही नहीं आ रहा, पता नहीं क्या हो रहा है। पागल है, मेरी भी आ जाएंगी। मैं भी अपनी स्टोरी बता रही थी। हैप्पी बर्थडे टू यू। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं जा रही हूँ मॉल शॉपिंग करने के लिए। उससे पहले मैंने सोचा क्यों ना इसका व्लॉग बना दिया जाए, क्योंकि मैं बीच बीच में कुछ कुछ दिन का ही व्लॉग डाल पा रही हूँ। जैसे मैं एक दिन में एक जगह का शूट करती हूँ, फिर मैं डालती नहीं हूँ, जिससे कि व्लॉग्स बहुत ज़्यादा कम आ रहे हैं। तो अब मैं थोड़ा रेगुलर होने की कोशिश करूँगी। लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ, इसलिए मैं इस एंगल में ले रही हूँ। मैंने कुछ चीज़ें खरीदी हैं अपने काम के लिए। गुच्ची देख रहा है मुझे, और मतलब चीज़ें मेरे पास थी, सो मैंने कुछ चीज़ें ऐड ऑन की अपने काम के ऊपर। जैसे कि ये कैमरा है, उसके लिए बैटरी, मैंने एक और बैटरी ली है, वो है ये वाली। तो मैंने इसे ओपन नहीं किया, तो मैं आपको ओपन करके दिखा रही हूँ सारा सामान जो जो मैंने लिया है। गुच्ची भी देख रहा है, गुच्ची हेलो कर दो, हेलो कर दो। गुच्ची बस गर्दन यूं यूं कर रहा है, दिख नहीं रहा होगा आपको, दिखा देती हूँ। गुच्ची हेलो कर दो, हेलो। इसमें से निकली है ये बैटरी, इससे खेल लेगा जब तक ये। ओके, तो ये बैटरी ली है मैंने सोनी की ही, जिसका ये कैमरा है। बाबू अब क्या लोगे? दूसरा मैंने लिया है ये ट्राईपॉड। अच्छा, मैं आपको पहले एक बात बता दूं कि मेरे पास था एक कैमरा और एक ट्राईपॉड भी था मेरे पास। वो सब मुझे लखनऊ नीतू ने दिया था, जो उनके पास एक्स्ट्रा पड़ा हुआ था जब उन्होंने अपने इनिशियल डेज में स्टार्ट किया था। तो लखनऊ नीतू ने मुझे वो कैमरा और ट्राईपॉड दिया था। वो ट्राईपॉड अभी भी मैं यूज़ करती थी, अपनी लास्ट वीडियो तक मैंने उसको यूज़ किया, बट वो थोड़ा खराब होने लगा। तो मैंने सोचा क्यों ना इन्वेस्ट करने का टाइम आ गया, इसलिए मैंने नया ट्राईपॉड मंगाया है। उसने पहले मुझे सब कुछ दिखाया जब मेरे पास कुछ भी नहीं था। इवन मेरे पास आईफोन भी अच्छा वाला नहीं था, 8 प्लस था, तो उसी से मैं ज़्यादातर रिकॉर्ड करती थी और उससे मुझे काफ़ी इजी लगता था रिकॉर्ड करना। तो थैंक यू सो मच, उनके इस बात का मैं हमेशा वो रहूँगी आभारी। चलो ज़्यादा शुरू हिंदी हो गई, इसे खोल देते हैं। गुच्ची डर गया। तो ये है, नाइस, बहुत अच्छा लग रहा है। अब मैं इसको फुल से सेट करना सीखूंगी। ओके, इसमें एक हैंडल भी है इसको पकड़ने के लिए, जो कि पहले वाले में नहीं था। और गुची आ गया है इधर, क्या कर रहा है गुची, क्या कर रहा है? मैं अभी ये ठीक कर रही थी, इसमें से मैंने डिलीट करी है कुछ फाइल्स अपनी मेमोरी कार्ड में से, और इतनी देर में मेरे पास मेरा बूची बूची बाबू आ गया और इसमें फिर भी 0 मिनट दिखा रहा है। अरे यार गुची क्या हो रहा है बाबू? मेरे 1 मिलियन होने वाले हैं और आज IPL का फाइनल भी है, तो समझ नहीं आ रहा किस चीज़ का देखा जाए। इसमें 30 मिनट का ही टाइम है, मेरे दोनों कार्ड में से किसी में भी स्पेस नहीं। इसमें से मैंने बहुत सारी वीडियो डिलीट करी है, तब 30 मिनट का आ रहा था बस। ये हो गया है 59, बस मुझे चाहिए 41। ओके, जल्दी सब्सक्राइब करो, तब तक तो हो भी जाएगा। 29 हो गए, ये 1 मिलियन हो गए। कह रहा था रोना भी पड़ेगा, मतलब यार मैं कैसे रहूं, कोई होता तो मैं रो जाती। फाइनली 1 मिलियन हो गए। मतलब मैं आपको एक स्टोरी बताती हूँ अपनी। मेरे लास्ट टाइम ये वाला टाइम इतना बुरा चल रहा था, इस टाइम पे मम्मी को कोविड भी हो गया था। मैं पूरा अपना एक साल याद करूँ ना, तो मेरा बहुत ख़राब साल था पिछली बार इस टाइम पे। अब मेरे को रोना ही नहीं आ रहा, पता नहीं क्या हो रहा है। 1 मिलियन हो चुके हैं, बट कोई नहीं था करने के लिए, सब जा चुके थे। नीतू का आज टूथ एक्सट्रैक्शन हुआ है, तो वो घर चली गई अपने, मतलब इरा चली गई, लखन भी चला गया, गुची भी चला गया, सैंडी भी चला गया, सैंडी उसको छोड़ने गया गुची को, और कोई भी नहीं है हक करने के लिए, मम्मी नहीं है, कोई नहीं है। चलो मैं मम्मी को फटाफट फोन करती हूँ और उनको बताती हूँ कि मेरे 1 मिलियन हो चुके हैं, देखते हैं वो क्या कहती हैं। तो मम्मी को मैं फ़ोन कर रही हूँ। मम्मी का नाम मैंने अनिम लिखा हुआ है, क्योंकि मेरे सारे जो खास खास कॉन्टैक्ट वाले ना, उन सब के नाम मेरे टर्किश में हैं, जैसे अनिम, दीदी कबलाम और ऐसे ऐसे। हेलो हेलो मम्मी, मेरे 1 मिलियन हो गए। हाँ? मेरे 1 मिलियन हो गए। गुड गुड, थैंक यू थैंक यू। और बोलो कुछ। क्या बोलो? और बोलो तो कुछ। अरे बहुत बहुत खुशी है मुझे तो। हैं? हाँ। दीदी कहाँ हैं? दीदी देखती हूँ कहाँ है, मैं तो कपड़े तय कर रही है। अच्छा चलो चलो ठीक है, दीदी अभी है नहीं। दे दो दे दो, लेकिन मेरे पैसे कहाँ है? अरे पैसे आपको मेरे को देने चाहिए, मेरे हुए, मेरे को गिफ्ट दो। हाँ अभी अभी, हाँ फोन दिलाने। अबे कांग्रेचुलेशंस कौन बोलेगा फोन दिलाने? कांग्रेचुलेशंस कौन बोलेगा, कह रही फोन दिलाने आ जा। कह रही अपने बंदे को मुबारकबाद नहीं देते। चलो मम्मी ठीक है, काम करती हूँ, पहले लखनऊ करती हूँ। उसका नाम मैंने सेव कर रखा है लकी से। हेलो लखन। हाँ बोलो। मेरे 1 मिलियन हो गए। अरे कॉन्ग्रेट्स यार, कॉन्ग्रेट्स। थैंक यू।
है ना? व्लॉग बना है, व्लॉग व्लॉग ही बन रहा है ना, तभी तो सबको मैं फोन कर रही हूँ। ग्रेट 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 ग्रेट, कांग्रेट्स, जल्दी से 10 मिलियन करो। यस, गोल्डन के बाद फिर डायमंड बटन। हाँ ओके, और मेरा कमीशन। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, कट टू कट। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। नीतू किधर है? उधर ही है, वो बोल कुछ सकती नहीं है, हाथ दिखा रही है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ओके ओके। नहीं तो कुछ बोल नहीं सकती क्योंकि उसका टूथ एक्सट्रैक्शन हुआ, इसलिए मैं उसको कॉल नहीं कर रही हूँ। बल्कि बाकी मैंने जो जो मेरे क्लोज थे सबको कॉल कर दिया। अरे हाँ, एक छना और मोस्ट इम्पॉर्टेंट रह गया है जिसे मैं कॉल कर लेती हूँ। उसका नाम सेव है अस्क से। निमी रुक जाओ 2 मिनट। अब आप अस्क का मतलब पता करिए क्या होता है, बट कॉल नहीं उठाया जा रहा है। तो भाई मेरी कॉल नहीं उठाई जा रही है, बहुत देर से मैं 2-3 बार कॉल कर चुकी हूँ ऑफ कैमरा भी, तो शायद फ़ोन चार्ज पे होगा। और चलो कोई बात नहीं, मैं थोड़ी देर में ट्राई करती हूँ, अगर लग जाए तो ओके। तो मैं आपको थोड़ी सी लाइफ स्टोरी बताती हूँ। दिस टाइम लास्ट ईयर मैं क्या कर रही थी, मैं UPSC की प्रिपरेशन कर रही थी क्योंकि 5 जून को प्रीलिम्स का एग्जाम था। बट क्या हुआ कि मम्मी टूर से बाहर आई, टूर से घूम के आई, वहाँ से ना उनके साथ जो नर्स ठहरी थी मम्मी के साथ, जो यहीं से जाती थी राष्ट्रपति भवन से, तो उनको ना कोविड हो गया था, तो उनके चक्कर में उनके सिम्टम्स मम्मी को भी आ गए थे, तो मम्मी को भी कोविड हो गया था। तो इस टाइम पे कोविड पीरियड चल रहा था, 29th है ना, हाँ इस टाइम पे आज और कल 28, 29, 30, तो ऐसा लग रहा था मम्मी को कोविड है कोविड। तो मम्मी का टेस्ट हुआ 31st मई को, मम्मी का वो रिजल्ट आ गया कि यस कोविड पॉजिटिव है। तो घर का माहौल ऐसा ना डिम सा हो गया था। और लास्ट टाइम इस टाइम पे इतनी गर्मी थी, मतलब मैं बताऊँ मैं इतने बुरे दौर में थी कि मैं आपको कुछ बता नहीं सकती हूँ कि मेरी एक लाइफ एक कि मेरी एक साल में एक लाइफ इतनी टर्न आउट हुई है। मतलब मेरे पास ना शब्द नहीं है बोलने के लिए कि मैं आपको क्या बोल रही हूँ, बट मैं आपको सिर्फ इतना बता सकती हूँ, मेरा जो आप अगर एक राज पूछें कि क्या था, वो ये था, मैं बहुत ज़्यादा नेगेटिव हुआ करती थी एज अ पर्सन। आई एम द बिगेस्ट नेगेटिव पर्सन एंड बिगेस्ट डीमोटिवेटर। मैं अपने आप को खुद ही डीमोटिवेट करती थी हर चीज़ के लिए कि ये मेरे से नहीं होगा, ये मैं नहीं कर पाऊँगी, लाइक कोई मेरे बारे में क्या सोचेगा अगर मैंने ये वीडियो पोस्ट की, अगर मैंने कुछ, मैंने इससे पहले भी शॉर्ट्स वगैरह बनाए हैं। अच्छा मैं आपको एक राज और बता दूँ कि ये मेरा पहला चैनल नहीं है, ये मेरा 3rd चैनल है। फर्स्ट सेकेंड चैनल मेरा कुछ और था, जो उसमें मेरे फेस रिवील नहीं था, बट वो कुछ और चैनल था, ये मेरा 3rd चैनल है। और वो चैनल मैं बहुत डर डर के बनाए थे, इवन किस घर में किसी को नहीं पता था, इवन मेरा क्लोजेस्ट वन किसी को नहीं पता था, वो सिर्फ मुझे पता था, इतनी मैं छुपा रुस्तम थी। मैंने सोचा था कि जब उसमें 100K हो जाएंगे ना तब मैं सबको बताऊंगी, 100 क्या के क्या उसमें 1K भी नहीं हुए थे। 1 ईयर में मैंने अपनी लाइफ कैसे चेंज की है, बस वो ये है कि आप जितना हो सके उतना पॉजिटिव रहें, अपने आप से अपनी जो अफर्मेशंस हैं अपनी बॉडी के लिए, मतलब जैसे मैं हूँ, मैं अच्छी नहीं दिखती हूँ, मैं बहुत बुरी दिखती हूँ, मैं बहुत छोटी हूँ, मैं बहुत काली हूँ, मैं बहुत ये हूँ, लोग मेरे बारे में ये सोचते हैं, लोग मेरे बारे में सोचते हैं, लोग सोचते हैं वो अच्छी है वो अच्छा है, ये सब छोड़ के आप अपने आप क्या सोचते हैं अपने आप के बारे में, ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है। आप माने या ना माने, आपको लग रहा हो मैं बहुत पका रही हूँ या कुछ कर रही हूँ, लेकिन ये बात बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने से क्या बातें करते हैं। मतलब मैं ऐसी बात करती थी कि यार ये प्रीलिम्स मुझसे नहीं होगा, मैं फालतू अपना टाइम वेस्ट कर रही हूँ, ये सब बातें। लेकिन जितना आप पॉजिटिव रहेंगे, ये अब आ रहा है, नहीं रहेंगे, नहीं रहेंगे, नहीं रहेंगे। अरे यार इसमें मैं लेट हो गया था भाई, ब्रो सॉरी सॉरी सॉरी, मैं तो इसको अब फटाफट लेकर भाई, तो केक लेने गया था। अब मैं रो गई सच में, थैंक यू यार, सच में मुझे कुछ नहीं पता था, मैं भाग के गया, पागल है मेरी भी आ जाएंगे। मैं भी अपनी स्टोरी बता रही थी। चलो आप कट करते हैं, बाकी की लाइफ स्टोरी बाद में बताऊंगी। थैंक यू सो मच भाई, बहुत प्यारा यार। उसकी थैंक यू सो मच गाइस इतना सपोर्ट करने के लिए, प्लीज मुझे आगे भी यम्मी, सीरियसली यम्मी है, मुझे और खाना पड़ेगा, सही दे रहा था मुझे, थैंक यू सो मच गाइस मुझे सपोर्ट करने के लिए। सॉरी आप लोगों को दिया नहीं, ये आप लोगों के लिए। Nice. प्लीज मुझे ऐसे सपोर्ट करते रहना और मेरे जल्दी से 10 मिलियन कर देना, ठीक है? मुझे बोला बेचारा 10 मिलियन। तो मैं अब लास्ट टाइम यानी 3rd टाइम फोन करने जा रही हूँ, अगर अब उठ गया तो ठीक है, वैसे अगर फ़ोन उसके हाथ में होगा तो वो खुद ही कॉल बैक कर देगा, बट अभी तक तो कुछ हुआ नहीं है। तो फाइनली कॉल आ चुका है, क्योंकि मुझे पता जैसे ही फ़ोन हाथ में आएगा तो कॉल आ जाएगा, तो कॉल आ चुका है, अब जरा बात करते हैं। हेलो, हेलो, हाँ जी किधर थे? पहले बता किधर थे यार, तू किधर था? मैं खाना खा रहा था। खाना खा रहा था तो कम से कम यार एक बार फोन उठा तो लेता। सब ठीक, क्या हुआ बता? अरे 1 मिलियन हो गए।
भाई साहब हाँ कंग्रेचुलेशंस। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। नहीं देखा नहीं, अभी अभी स्टोरी लगाते हैं। व्लॉग बना रही थी तो मैंने सोचा कि सबको कॉल करते हैं। तुझे कब से कॉल कर रही हूँ। सॉरी यार, सीरियसली सॉरी यार। चल कोई नहीं, माफ किया। 1 मिलियन हो गया ना तो इसलिए मैंने माफ कर दिया। हाँ, ये अच्छा लगा वैसे सुनो। हेलो एवरीवन, आज है नेक्स्ट डे, जो मैंने आपको वीडियो दिखाई उसके बाद का दिन। और अभी नीतू ने केक मंगाया मेरे लिए तो मैं वो कट करने जा रही हूँ। चलो भाई काट जा। चलो अब हम केक कट करने जा रहे हैं। चलो कहाँ चलो, यहीं पे रहो, हम केक कट करने जा रहे हैं। और हाँ, इसमें सब्सक्राइब लिखा हुआ है ना, इसको आप प्रेस कर देना जिसने नहीं किया है। अब आप एक बात सोचो, यहाँ आओ कैमरा यहाँ लाओ। इस बंदी ने स्क्रीनशॉट लिया और उससे केक पे निकलवाया, ठीक है? किसने? नीतू ने। खुद ही ने सब्सक्राइब नहीं करा भाई। देखो स्क्रीनशॉट जब लिया, सुनो, जब स्क्रीनशॉट लिया तो इसका मतलब तुम्हारे तुम्हारी चैनल से आया होगा ना। खुद ने सब्सक्राइब नहीं कर रखा और आप लोगों से उम्मीद कर रहे हो। गलत बात है, गलत बात। अच्छा ये मेरे चैनल का है? हाँ। करना पड़ेगा कुछ, सब्सक्राइब नहीं करा हुआ। मेरे चैनल है, मेरे चैनल का है स्क्रीनशॉट। तो फिर ये केक किसका? दोस्तों माफ करना, समझी नहीं। वो बौखला गया कल से है ना। हाँ, जब से मिलियन हुआ। सच में कोई बात नहीं, मिलियन लेना। लेकिन अपना सब्सक्राइब तो करो कम से कम। कर देती हूं, स्क्रीनशॉट तो टक्कर करती है। ए भगवान, इतना कार्टून वाला कुछ नहीं देगा आज तक। मैं लॉग इन भी कर रखा ना YouTube। देखो इसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ और 1 मिलियन की पार्टी मांग रहा है 1 महीने से। 1 मिलियन में ये तो है नहीं, तू तो केक खाने रिजर्व नहीं करता। तो ये पार्टी माइनस जल्दी से मेरे 5 मिलियन कर दो भगवान। मेरे 10 मिलियन, मेरी भी जल्दी से सुनो, मेरे 50 मिलियन। चलो भी चलो करो, आप भी कुछ बोलो। वो तो बोल ही नहीं सकती यार। चलो कट करते हैं। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। गुची को भी लो, गुची को भी लो। गुची गाली दे रहा था ये। नहीं, वो बासी अगर तुम लोग समझ पाओ तो। यार स्पून ले आना। हैप्पी बर्थडे डियर। अरे थैंक यू। चलो तुम्हें पार्टी मिल जाएगी अब। देखो इसने मुझे एलवी का सबसे महंगा गिफ्ट दिया है। हाँ भाई तू भी यार ऐसा है, सिर्फ का पैसा लेके क्या करना है। मैं सोचता हूँ खाली आज जाए तो खाली आज जाएंगे। क्यों तुषार, हम दोनों कल गए, हमने 2.5 लाख रुपए खर्च करे हैं और इनके लिए डब्बे लेकर आए। ये लो भाई, इसके अंदर क्या है वो तुम ही देखना, किसी को दिखाना मत है ना, क्योंकि ऐसे दिखा के वो नहीं करते कभी भी गिफ्ट। वो खा से खाएगी? नहीं नहीं खा रही, खा रही। क्रीम है, क्रीम है, टेस्ट कर रही। देखो भाई, सबसे पहला केक खाने का हक उसी का बनता है जिसने इस चैनल पे जी जान लगाई, इतनी मेहनत करी, इसलिए तो मैं वो खा लूंगा। अगर जिसने नहीं किया हुआ है और लगती है तो मुझे सब्सक्राइब जरूर करें अभी के अभी। 1 मिलियन टाइम पे भी लड़ाई, सेलिब्रेशन टाइम पे लड़ाई, एक थंबनेल ले, थंबनेल ले। स्टार्ट ये नहीं, तुम ऐसे करो, मतलब कह रहा तुम इरिटेट हो गई। हाँ भाई, इसमें निकाल लो, ठीक है? ये डाल लो। तो गाइस, जैसे कि आप जो थंबनेल देख के आए हो वो थंबनेल हमने स्पेशली बनाया है क्लिक पेड हो सके। मैंने मेकअप कर रखा था। नहीं 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 यार, नहीं मैं चिढ़ गया। वो नंबर एक बार याद रखना, मैं बहुत बुरा हूँ, फिर तुमसे जिलेगा नहीं। भाई हल्का सा लगा ले, मेरे 1 मिलियन हुए। लात मारी? लात नहीं, ऐसे मारा है। तुम बहुत बुरे हो यार, तुम बहुत बुरे हो। तो भाई यहां चैनल तो टीम पे से नहीं है। नहीं मैं हूं ये लोग ऐसे हो। नो सपोर्ट। मेरे क्यों लगा रही हो? ये अच्छा किया, ये अच्छा किया। तुम मेरे बालों को क्यों लगा रही है? आप कल ही धोए। चलो थैंक यू, जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से जल्दी कर देना। ये देखो इसने क्या किया, अपने हाथ में लिया, मुझे लगा खाने के लिए लिया है। और ये कौन सा एंगल है लगाने का, मेरा फेस ही नहीं दिखाई दे रहा। गुची, हाँ बाबू, देखो देखो मिशन क्या किया। वाह वाह, मैं नहीं हूँ। <नहीं। laughs>
रोहित कुछ नहीं छोड़ता। 1 मिलियन रोज थोड़ी ना होते। 1 मिलियन रोज नहीं है, तुमने केक पतोड़ दिया पूरा। वेरी गुड। और नीतू के भी लगाओ। तो चलो अब थर्ड केक काटना स्टार्ट करते हैं और लाइटर भी आ। ब्लैक पॉलिथीन जो हमारे घर से कूड़ा कूड़ा निकलता है उसके लिए। तो इसमें मुझे मिले हैं कुछ आई थिंक 40 या 80, मुझे याद ही नहीं आ रहा कितने पीसेज हैं इसके। एक के अंदर काफ़ी सारे हैं, मतलब यहाँ से इसको ऐसे तोड़ सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं अलग से। तो जो मैंने मंगाया है वो है ये है, और कट्टे में दे दिया उन्होंने, ये है पिलो। तो फाइनली मैंने ये ओपन कर लिया है और ये कुछ ऐसा दिख रहा है। ये भी काफ़ी मोटे हैं यार, मतलब इस पर वो हो जाएगा, सर दर्द हो जाएगा। ये पूरे आए हैं 4 पीसेस और 6 पीसेस। काफ़ी मोटे हैं। ओह सिलाई भी निकल रही है। लो सबसे पहला ही काम हो गया, खुलेगा ही नहीं, मुझसे पता नहीं इसके अंदर है क्या। तो यही था सब मेरे पास, अभी 2-3 चीज़ें और आई नहीं है, वो आएंगी तो मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में दिखा दूंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ओके राइट, बाय बाय, गुड नाइट।